given a grammar and the question is about the precedence of operators. Okay, तो one of the best question. Okay, तो अब इसको देखते हैं, अगर ये question आपको समझ में आ गया means इस तरह की कोई भी problem आपको समझ में आ जाएगी. यहां पर confusion क्या होता है, कहता है कि अगर इस तरह की कोई सी ग्रामर गिवन है, कोई सी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और आपसे पूछ रहा है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या उनकी एसोसिएटिविटी, अगर ग्रामर अनएम्बिगुअस है तो फिर जो आप उनकी एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस आप बोल रहे हो, जो ग्रामर बोल रही है और जो एक्चुअल में है, वो दोनों मैच करेंगे और आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. लेकिन अगर सपोज करो कि ग्रामर जिस तरीके से ग्रामर हो उसमें ऑपरेटर्स इस तरह से यूज हो रहे हो कि लग रहा हो कि ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं, ओके, और स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी आप जानते हो, लेकिन ग्रामर को देख करके आप कंफ्यूज हो रहे हो कि स्टैंडर्ड तो ये होते हैं लेकिन ग्रामर कुछ और कह रही है, ओके, तो ध्यान रहे क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है. यहां पर स्टैंडर्ड्स के बारे, स्टैंडर्ड ऑपरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ ये कहा गया है गिवन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ग्रामर, एक एक्सप्रेशन ग्रामर गिवन है, उन ऑपरेटर्स का मीनिंग भी नहीं बताया है. जैसे कि यहां पर ये एस्ट्रिक और ये प्लस और ये माइनस ऑपरेटर यूज जरूर किए हैं लेकिन इनके मीनिंग भी आपको नहीं बताए, ओके. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर में देखना है और जो रूल बताया गया है एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अप्लाई करना है, ओके. तो देखते हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अप्लाई करूंगा, मुझे नहीं मतलब कि ग्रामर एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है, ग्रामर जिस तरह से गिवन है और उसी पे बेस्ड मुझे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस बतानी है. तो यहां पर मुझे सिर्फ प्रेसिडेंस बतानी है, एसोसिएटिविटी भी नहीं बतानी. ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अब आप देखें, ई डिराइव्स ई स्टार एफ एंड ई डिराइव्स एफ प्लस ई. अगर देखें आप तो स्टार और प्लस एक ही लेवल पर हैं, जैसे पहले हुआ करता था E derives E plus T and T derives T star F. इसका मतलब स्टार क्या हुआ, प्लस से एक लेवल आगे चला गया, क्योंकि प्लस वाले डेरिवेशन में E plus T, T derive, एक नॉन टर्मिनल T ड्राइव कर रहा है स्टार को. तो मींस T अगर बनाए तो अगर प्लस इस लेवल पे है तो स्टार उसके एक लेवल नीचे चला गया. यहां पर अगर देखें E derives star और plus, E से direct E star F है और E से ही direct F plus E है, means plus और जो star है इन दोनों की precedence same है इस grammar को देख के, okay. यहां से देख करके क्या है, इन दोनों operators की जो precedence है वो precedence क्या है, वो same है. अब बात करते हैं यहां से देखो आप, E स्टार F, F प्लस E F और F derives F माइनस F. अगर यहां पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पाएंगे कि जो माइनस ऑपरेटर है वो एक लेवल आगे निकल गया है, मींस जो स्टार और प्लस हैं उनकी डिस्टेंस स्टार्ट सिंबल से दोनों की सेम है, जबकि माइनस की जो डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्ट सिंबल वो क्या है, इन दोनों से ज्यादा है. तो यहां पर एक कॉन्क्लूजन तो मैं कर ही कह ही सकता हूं कि माइनस की प्रेसिडेंस स्टार और प्लस दोनों से ज्यादा है, ग्रामर को देख करके. मींस आई जस्ट डोंट केयर अबाउट द स्टैंडर्ड प्रेसिडेंस ऑफ माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ओके, स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दिस ग्रामर, व्हाट दिस ग्रामर सेइंग, व्हाट इज द कॉन्क्लूजन आफ्टर लुकिंग एट दिस ग्रामर, ओके. तो यहां से कहता है कि एस्ट्रिक है हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम बोल चुके हैं कि दोनों की प्रेसिडेंस ग्रामर को देख के तो सेम लग रही है.
क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। आगे बढ़ते हैं, माइनस हैज हायर प्रेसिडेंस देन स्टार, मैंने कहा माइनस की प्रेसिडेंस स्टार और प्लस दोनों से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो ट्री में लोअर लेवल पे है देन स्टार एंड प्लस, और यू कैन से माइनस इज डिस्टेंट टू डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ माइनस फ्रॉम स्टार सिंबल इज मोर देन स्टार एंड प्लस। तो इस हिसाब से भी दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से, चाहे ग्रामर के स्टार सिंबल से डिस्टेंस देख लो और चाहे ट्री में लेवल के हिसाब से देख लो, एंड देयर फोर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन आगे के चार ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, प्लस एंड माइनस हैव सेम प्रेसिडेंस। ये देखिए कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि अगर जो पेपर सॉल्व कर रहा है अगर उसने उसको उसको प्लस और माइनस स्टैंडर्ड ऑपरेटर की तरह सोच रहा है तो वो बोलेगा कि प्लस एंड माइनस हैव सेम प्रेसिडेंस, लेकिन हमको स्टैंडर्ड नहीं देखना, हमको क्या करना है, ग्रामर देखनी है। प्लस हैज हायर प्रेसिडेंस देन स्टार, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इस ग्रामर के हिसाब से देखोगे तो दोनों सेम लेवल पे हैं। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन इज बी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मुझे यहां पर एसोसिएटिविटी देखनी हो, सपोज करो मुझे स्टार की एसोसिएटिविटी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे प्रोडक्शन को देखूंगा। सिंस द प्रोडक्शन इज लेफ्ट रिकर्सिव एंड देयर फोर द एसोसिएटिविटी ऑफ स्टार ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट। यहां पर F प्लस E, E derives F प्लस E, राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन एंड देयर फोर द एसोसिएटिविटी ऑफ प्लस ऑपरेटर इज राइट राइट एसोसिएटिव R टू L, ओके। अगर यहां बात करें F derives F माइनस F, यहां पर माइनस लेफ्ट एसोसिएटिव भी है माइनस राइट एसोसिएटिव भी है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम करेगा। तो अभी आप यहां कुछ और नहीं बोलेंगे, सिंपली इतना बोलेंगे कि माइनस की एसोसिएटिविटी इज नॉट डिफाइंड हियर, ओके, एंड दैट्स डन।